फतेहाबाद में जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला पहुंचे, जहां जाट धर्मशाला में जननायक जनता पार्टी के नए कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इससे पहले अजय चौटाला ने एक कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित किया और कार्यकर्ताओं से 2024 की तैयारी में जुट जाने के लिए कहा। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अजय चौटाला ने कहा कि पेंशन 5100 रुपए ना करने को लेकर उनके मन में हमेशा टीस रहेगी और 6 सीटें जेजेपी को अधिक मिली होती तो वो आते ही पेंशन बढ़ाने की घोषणा कर देते। हम सरकार के सहयोगी हैं और सहयोगी के नाते भी हमने तो 500 रुपये 2 बार भी बढ़ाने का काम किया है। अभी कह रहा हूँ कि जब भी वो मौका मिलेगा तो पहली कलम से करने का काम करेंगे। हमने कभी झूठी बातें नहीं की। जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाली पार्टी है और चौधरी देवीलाल ने जो जो प्रोमिसेस जनता के बीच में खड़े होकर भी किए उन्हें कानूनी रूप से अमली जमा पहनाने का काम किया गया। आपको एक एक बात का ध्यान होगा, 1977 का समय हो चाहे 87 का हो, जो बात उन्होंने कही वो सदैव पूरी की और हमने भी अपनी घोषणा पत्र के 70% वायदों को पूरा करने का काम किया है। 30% हम इसलिए नहीं कर पाए कि हम सहयोगी हैं छोटे पर। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए अजय चौटाला ने कहा कि जननायक जनता पार्टी 2024 के चुनाव की तैयारी में जुट गई है। अजय चौटाला ने हरियाणा बीजेपी प्रभारी बिप्लव देव के बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सुनिए। पहले जब चुनाव होंगे तब भी निर्णय होगा, यही बात कल भाजपा के प्रभारी ऊपर पार्टी हाईकमान ने अजय चौटाला ने पहलवानों के मामले में भी कहा कि जननायक जनता पार्टी पहलवानों के साथ है और वो चाहते हैं कि पहलवानों को न्याय मिले। हम पहलवानों के साथ हैं, उनसे इंसाफ मिलना चाहिए। इतनी देरी हो रही है, उतनी परेशानी पड़ रही है। पूरे प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां जनसंवाद के माध्यम से आम जनता तक अपना संदेश पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रही है। अब देखना ये होगा कि जनमन का समर्थन 2024 में किससे सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाता है। सूर्य समाचार के लिए फतेहाबाद से जसपाल सिंह की रिपोर्ट।